जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन अब आप लोग स्टूडेंट बन गए हो तो आपको भी बता ही देता हूं. नंबर वन, डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग वट एवर इज आस्ड. नंबर टू, गिव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टॉपिक. नंबर थ्री, गिव एनी डेटा दैट यू हैव कम अक्रॉस रिगार्डिंग दैट टॉपिक. नंबर फोर, गिव एनी इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट दैट यू हैव सीन अबाउट दैट टॉपिक. नंबर फाइव, गिव एनी करंट अफेयर्स रेफरेंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक. नंबर सिक्स, गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू दैट टॉपिक. नंबर सेवन, समराइज वॉट यू आर गोइंग टू राइट और समराइज द क्वेश्चन. नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट ये जो सेवेंथ वाला है ये आप तभी इस्तेमाल करोगे जब क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है. ये आप तभी इस्तेमाल करोगे जब क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता है. और ये वाले छे आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करोगे. ठीक है, वन मोर कैन बी देयर कोटेशन बट नॉट मच. मतलब कभी कभी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो बट डोंट स्टार्ट इट इन एवरी क्वेश्चन. भी इसमें से जितने क्वेश्चन है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो. दिस कोटेशन प्रेफरेबली कुड कम फ्रॉम रीसेंट स्पीचेस ऑफ प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, दीज टाइप ऑफ पीपल. बिकॉज इट्स नॉट एन एथिक्स पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स अ जनरल थिंग. एक कंटेम्पररी स्टेटमेंट होगी तो और बढ़िया लगेगी, और अच्छी वाली स्टेटमेंट. समटाइम्स वी डोंट एक्सपेक्ट अच्छी वाली स्टेटमेंट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स बट दे आर देयर, यू कैन फाइंड आउट. फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड टू अ क्वेश्चन फॉर राज्यसभा, आई फाउंड अ वेरी गुड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेर ही सेड दैट वेन एवर द कंट्री हैज नीडेड इट्स लेजिस्लेचर टू परफॉर्म, राज्यसभा हैज स्टूड अप एंड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू नोट नीड टू गिव एनी कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इट्स द प्राइम मिनिस्टर हु हैज स्पोकन दिस. ठीक है, बट ओनली द स्टेटमेंट्स विच यू कैन यूज इन द एग्जाम. एनी वेज, और नहीं बोलूंगा. डिफाइन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, डेटा, इंडेक्स रैंक, रिपोर्ट, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी डिस्कस्ड. कैन वी अप्लाई दिस लर्निंग ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन? हिस्ट्री में मुश्किल है, हिस्ट्री में तो वन डायमेंशनल ही स्टार्ट हो सकता है. बात करते हैं सोसाइटी में, देखते हैं. हाँ, अभी तो इंट्रोडक्शन की बात हो रही है ना, रुक जाओ पहले. वॉट इज वॉटर स्ट्रेस, हाउ एंड वाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया? दिस क्वेश्चन इज टू पार्ट्स. वॉटर स्ट्रेस क्या होता है? अब इस क्वेश्चन में यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू. नंबर वन, यू डिफाइन वॉटर स्ट्रेस विच इज पर्याप्त, क्योंकि इसमें तो पूछा ही गया ना कि वॉट इज वॉटर स्ट्रेस. ठीक है, बट If instead of what is water stress, it was written that the issue of water stress is being seen across the world, how and why does it differ regionally in India? Then you have two options. You can start with defining water stress, or you can give data which illustrates ki water stress ho raha hai bhai. Do you understand the point? Kya aap samajh pa rahe ho main kya keh raha hu? कि ग्राउंड वाटर लेवल्स के बारे में आप बात कर सकते हो कि ग्लोबली द ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव गॉन डाउन इन द लास्ट सेंचुरी अक्रॉस डिफरेंट एक्वीफर्स बाय इतने परसेंट. वो डेटा आपको मिलेगा. तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं करंट अफेयर्स की एग्जाम्पल से भी दे सकता हूं. बताओ कैसे? रिसेंटली वी सॉ इन दिल्ली दैट इन द पीक समर सीजन देयर वॉज High shortage of water. Can I start this like this also? Can I start this answer like this also?
बेंगलुरु और सेवरल सिटीज ऑफ इंडिया से लिख दो. यस और नो? कैन आई स्टार्ट दिस आंसर विद ऑल द सिक्स? नो, बट एटलीस्ट आई कैन थिंक अबाउट थ्री वेज. और इफ यू नो द कॉम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स, देन यू हैव फोर्थ वे एज वेल. समझ रहे हो? तो इंडेक्स रैंक रिपोर्ट आई होगी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसने बताया है कि इंडिया में वाटर स्ट्रेस है इतना. ठीक है, तो ये चार तरीकों से आप इस वाटर स्ट्रेस के क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो. कर सकते हो कि नहीं? तो अपने आप को ऑप्शंस दो कि भाई मेरे पास सात ऑप्शन है और ये सात ऑप्शन में से जो भी फिट बैठ रहा है वहां पे बिठा दूं. लास्ट में सोचूंगा कि डिफाइन करना है या नहीं. डिफाइन कौन से वाले में करना है? जिसमें पूछ ही लिया है व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, व्हाट इज एयर मास, व्हाट इज मरीन हीट वेव, वहां पे डिफाइन कर दो भाई सीधा. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? गिव योर सेल्फ दीज सेवन ऑप्शंस. ठीक है, नाउ सब हेडिंग नंबर वन, हाउ डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया. सब हेडिंग नंबर टू, व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया. मतलब कौन से एरियाज में ज्यादा वाटर स्ट्रेस देखा जाता है ये बताओगे, और कौन से एरियाज में कम वाटर स्ट्रेस देखा जाता है. अब इसका बेस्ट तरीका है कि मैं टेबल बना दूं. इसका बेस्ट तरीका क्या है कि मैं टेबल बना दूं. देखो मैं ये रट के नहीं आया था, ये मैंने रैंडमली पिकअप किया है क्वेश्चन. Differs regionally and why. मतलब अगर मैं राजस्थान के वाटर स्ट्रेस की बात करता हूं तो राजस्थान के वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि वहां की सॉइल अलग है, वहां स्केंटी रेनफॉल होती है, वो रेन शेडो एरिया में लाई करता है इसलिए, या वहां पर डेजर्ट एरिया है इसलिए, या ड्राई विंड्स है इसलिए वहां वाटर स्ट्रेस है. अगर मैं बेंगलुरु जैसी सिटी की बात करता हूं तो वहां पे वाटर स्ट्रेस के कारण अलग है. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अब आपने एक ही टेबल से हाउ एंड वाई इन दोनों का आंसर दे दिया. अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने हाउ वाटर स्ट्रेस डिफरेंटली करूं या वाई वाटर स्ट्रेस डिफर्स रीजनली ऐसे करूं. क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? कि मैं इंडिया के कुछ रीजन आइडेंटिफाई कर सकता हूं जहां पे वाटर स्ट्रेस है और वहां डिफरेंट रीजंस की वजह से वाटर स्ट्रेस है. फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज कैपेसिटीज बहुत कम बनाई गई हैं, रेनफॉल वहां भर भर के होती है लेकिन सारा पानी जो है वो स्टोर नहीं हो पाता है, इस वजह से वाटर स्ट्रेस है. क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डू यू गेट इट और नॉट?